अबे तुम लोग मेरे पीछे पड़े क्यों हो? मैंने किया ही क्या है? अबे मार क्यों रहे हो? अबे छोड़ दो सर। अरे मैंने किया क्या यार, ये तो कोई बताओ, बेफालतू में मार रहे हो। रोपी तो तेरी, तो आज तो तू नहीं बचेगा किसी भी सूरत पे। अबे इस बिग बॉस ने तो मुझे ही बाहर फेंक दिया, लेकिन मैं अब करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास अच्छे हथियार भी तो नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास हथियार भी तो नहीं है यार, हथियार मिलेंगे कहाँ से है मुझे? टिप्सन, हाँ टिप्सन की शॉप, अगर टिप्सन मुझे अपनी शॉप का पता दे दे तो मुझे हथियार मिल सकते हैं। हाँ अब मुझे जल्दी से टिप्सन के पास जाना होगा। पर मेरी कार कहाँ गई? यहाँ पर मैंने अपनी कार खड़ी करी थी। हाँ लगता है फिर से चोरी हो गई। ये वॉचमैन कर क्या रहा था? जरूरी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तेरी तो ऐसे कम तेरे, ले निकल यहाँ से। ले मर गया। ये थोड़े पैसे पड़े हैं, ये भी ले लेता हूँ इसके। ये रहे, अब मुझे जल्दी से टिप्सन के पास जाना होगा। टिप्सन ही मुझे हथियार का पता दे सकता है, उसकी शॉप कहाँ पर है हथियारों की। बस मुझे एक बार हथियार मिल जाए टिप्सन के, तो उस बिग बॉस को क्या, इस पूरे पायलटन को खत्म कर सकता हूँ। चल निकल बे। अबे कौन है भाई? ईविल, ईविल रोपीरो, हट बे, मुझ पे गोली चलाएगा। ईविल रोपीरो पे, रोपीरो पे गोली चलाना अलग बात है, और ईविल रोपीरो पे गोली चलाना अलग बात। सबको खत्म कर दूंगा। वो आ गया टिप्सन का घर। बस एक बार मुझे हथियार मिल जाए, फिर देख लूंगा पूरे बायल टाउन को और टिप्सन को भी। अबे रुक जा यार, हमेशा यही होता है, इस बायल टाउन में एक कार ढंग की नहीं है जिसपे बैठ कर कोई इंसान चल सके। अबे रोपीरो, तू यहाँ पर इतनी जल्दी आ गया? ओए टिप्सन, मैं कोई रोपीरो वोपीरो नहीं हूँ, मैं ईविल रोपीरो हूँ। अबे रोपीरो यार, क्या डरा रहा है, बच्चों की तरह मजाक कर रहा है। ये कपड़े पहन के आ गया तो क्या सोच रहा है, तो मैं तुझसे डर जाऊंगा? अरे हम तो बड़े देर बिगड़े हैं। अब विश्वास आया, मैं ईविल रोपीरो हूँ, कोई रोपीरो नहीं। ये सब छोड़, अब तू ये बता तेरा वेपन बेस कहाँ पर है, जहाँ पर तेरे सब हथियार रखे हुए हैं। अब तुम पुलिस वालों, सर मारो इसे, मारो ये बहुत बेकार इंसान है, मारो। अब तू बता टिप्सन कहाँ पर है तेरा मिलिट्री बेस, बता जल्दी। वो गन टाउन में, मुझे छोड़ दे। अबे अबे ये कहाँ भाग गया यहाँ से? छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो हुआ कि मैंने ढूंढ लिया कि गन टाउन में है इसका मिलिट्री बेस। तो चलो चलते हैं गन टाउन और लेके आते हैं टिप्सन के सारे हथियार। मैंने सुना है कि टिप्सन के पास एक से एक खतरनाक हथियार हैं, आज देख भी लेंगे। तो आ रहा हूँ मैं गन टाउन, तुम से तुम्हारा। अबे छोड़ो यार, क्यों मार रहे हैं यार, मैं कुछ कह भी ना रहा हूँ फिर भी। अबे छोड़ दे भैया, छोड़ दे, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सबर करने की भी सीमा होती है, और वो सब तुम लोगों ने तोड़ दिया। अब एक एक को ठूस ठूस के मारूंगा। एक बार में सब चले गए, चार लोगों को एक साथ मारा, देख रहे हो? कतई मैं 100 लोगों से लड़ सकता हूँ एक साथ, मस्त है। पर यार जैसा वो कह रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चारों तरफ पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है आखिरकार वो कह रहा है। अबे ये कार भी देखो, दोनों गेट खोल के यहाँ पर खड़ी है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, वरना ये पुलिस वाले तो मेरा एनकाउंटर ही कर देंगे सीधा। यहाँ से भाग रोपी रो, भाग टिप्सन। अबे टिप्सन, अबे ये सब क्या हो रहा है यार टिप्सन? अबे सुन ले बहरे, अबे टिप्सन यार ये सब क्या हो रहा है? पुलिस पूरी चारों तरफ से मेरे पीछे पड़ी हुई है, देख सामने से लोग भाग आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, क्यों यार? अबे तू वाकई में रोपी रो या फिर से झूठ बोल रहा है, ये तो बता पहले। अबे छोड़ो, मार क्यों रहे यार, इन लोगों की तो एतकम तेरी तरफ। बस अब मेरा हथियार बोलेगा इनसे, ले निकल यहाँ से। एक बार में सब गए, चल निकल निकल निकल, भागते हुआ आग लग गई ना, अब बढ़िया है। अबे टिप्सन, टिप्सन अबे बोल यार, अब क्या बोल, क्या कह रहा था तू? अबे यार ये फिर से आ गया कोई मुझे मारने के लिए, तेरी तो एतकम तेरी। मैंने किया क्या भाई लोगों, कोई तो मुझे कुछ बताओ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तू तो बता। मर गया टिप्सन, टिप्सन कहाँ चला गया? ओ शिट, पुलिस पकड़ के ले गई क्या टिप्सन को? अबे यार रुक जा, अबे नहीं यार, अबे शिट यार कहाँ गई पुलिस की गाड़ी? ये दोनों, इनमें तो टिप्सन है ही नहीं कहीं, फिर कहाँ ले गई? अबे तेरी से निकल, अबे टिप्सन कहाँ है ये तो बताओ? ओ शिट यार, वो देखो यार, वो रहा टिप्सन उस गाड़ी में। अबे रुक, अबे जीप रोक बे। अबे टिप्सन तू फिकर मत कर, मैं तुझे बचाने के लिए आऊंगा। अबे तेरी से एकदम तेरी निकल, तेरे टिप्सन को बेफालतू में जेल में डाल दिया, मुझे मार रहे हो, क्या हो क्या रहा है बायल्टन में? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? बस यार यहाँ पर ज्यादा देर रुकाना तो ये लोग मेरा बाकी में एनकाउंटर कर देंगे, या फिर टिप्सन की तरह जेल में डाल देंगे, और अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओ अबे अबे ये क्या हो गया, मेरे चेंज कैसे होगी सब ड्रेस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मेरी पावर थोड़ी थोड़ी काम तो कर रही है,
मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरी पावर कैसे कम हो गई। लगता है ये पावर सिर्फ बायस टाउन में काम करती है और दूसरे देशों में नहीं करती। कोई बात नहीं, गन टाउन में तो आ गया, सबके पास गन है। वाह बहुत बढ़िया, सोचो यार हेलीकॉप्टर भी आ गया मुझ पे, अबे मार डाला बे। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना पुलिस मुझे फिर से जेल में डाल देगी और मेरे पास सुपर पावर भी इतनी कम है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। गन टाउन तो यही है और ये रहा बेस इनका, पांच पांच बेस हैं यार। सोचो यार सोचो कतई कितनी करोड़ों गने होंगी इनके पास। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ। उबे भाई साहब बहुत बड़ा एंटर गेट है, ये क्या है? ओहो खुफिया कमरा, यहाँ पर हो सकती हैं गने, लेकिन यहाँ पर तो कुछ गने हैं ही नहीं यार, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। टिप्सन ने तो कहा था गन टाउन में मिलेगी, पर यहाँ पर तो खुफिया कमरा एक और है। और यार देखो यार यहाँ पर कितनी सारी गने हैं, मैं तो इन सबको छोड़ूंगा ही नहीं, एक एक को ले लूंगा। अबे तू भी आ जा, सब आ जाओ मेरे पास। ये गन, ये वाली गन, ये सबसे पावरफुल लग रही है। बस नहीं, कास्टूल और ले लेता हूँ इनके, राइफल बुलेट सब ले लेता हूँ इनकी। अबे बस इतनी ठीक है वैसे तो, पर और ले लेता हूँ थोड़ी सी, मिल गई। हाँ मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है इस पूरे बायर टाउन में? सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है यार। सुबह सुबह यार दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे 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 टकले तू इधर क्या कर रहा है भाई? इन गनों से कोई नहीं बच सकता बिग बॉस, आज मैं तुझे मार डालूंगा। ये सब टिप्सन की गने है, अबे बहुत पावरफुल है कुछ भी को। तू अपने गंदे मकसदों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। तुझे देना ही होगा वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे पूरे परिवार को। बता जल्दी। तो ये रास्ता है जहाँ से मैं जाऊंगा उस रोबोट के पास, और वो रोबोट हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तो मैं आ रहा हूँ रोबोट टाउन तेरे पास। गंजड़ी, अबे टकले मुझे पता नहीं था कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे पीछे, वरना मैं उस इविल रो पीरो की जाऊँ उसकी वजह से पूरे बायस टाउन की नगरी, पूरी बायस टाउन वासी सोच रहे हैं कि ये सब मैंने किया, जबकि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं यार। तो ये है रोबोट टाउन, हे रोबोटों के सम्राट, मुझे अपना शैतानी रोबोट वरदान दीजिए। तुम लोग यहाँ तक आए हो तो ठीक है, ये लो मेरा सबसे महाविनाशक रोबोट और जाओ। बेवकूफ, खुद नहीं जानता, पता नहीं अब ये रोपीरो क्या करने गया है। उस इविल रोपीरो की तो उसने बिग बॉस को भी मार दिया और वो जरूर यहाँ से रोबोट ले गया। अब पता नहीं क्या करेगा वो, पूरे बायर टाउन का क्या अंजाम होगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे भी अपना सीक्रेट हथियार निकालना ही पड़ेगा जो कि मुझे जल्दी मिलने वाला है। तो बस यार यही थी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक मारो यार। और हाँ यार फर्स्ट पार्ट है ना इस वीडियो का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में फर्स्ट पार्ट के नाम से होगा, ठीक है ना? तो जाकर देखो यार फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक नहीं देखा है तुम लोगों ने। तो गुड डे आरो, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक लिए गुड डे आरो। और फर्स्ट पार्ट देखो यार, वीडियो की स्क्रीन पे भी आ रहा है, देखो यार।